व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस ऑन सिस्टम्स परफॉर्मेंस, यानी कि सिस्टम की परफॉर्मेंस पे अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं, थ्रेड वन टी वन एक थ्रेड टू टी टू, एंड थ्रेड टी वन क्या है कि कुछ तो डेटा जनरेट करती है, एंड जब तक वो डेटा जनरेट नहीं होता तब तक टी टू प्रोसीड नहीं कर सकती आगे। तो ये सारे जो सिनेरियोस होते हैं वो किस तरह से हैंडल होते हैं। सो हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर दी एसेंशियल सी प्लस प्लस टॉपिक्स दिस आर रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी HFT कंपनी। एंड ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड इवन इफ यू आर टारगेटिंग सम अदर इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वॉन्ट टू एंटर इन टू ई कॉमर्स इंडस्ट्री, देयर वी डू नॉट यूज मच C++। इन दैट केस आप जावा यूज कर सकते हैं, एंड जावा में ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप पाइथन भी यूज कर सकते हैं, आप रस्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री यू आर टारगेटिंग। एंड ये जो टॉपिक्स हैं जनरली सारे लोगों को पता होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नोइंग ओनली थ्योरी पार्ट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स बट नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। बट अगर आप इन सारे टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं देन यू विल बी हैविंग रियली नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये सारे टॉपिक्स यूज होते हैं एंड इनके अंदर और क्या क्या सब टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई एम एन HFT डेवलपर सो वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम HFT इंडस्ट्रीज परस्पेक्टिव। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है वो C++ 11, 14 एंड 17। सो बेसिकली जो डिफरेंट वर्जन है उनमें क्या डिफरेंस होता है, एंड अभी के टाइम पे C++ 21 भी आ गया है, तो आप एटलीस्ट C++ 11 के साथ तो बहुत अच्छे होने चाहिए एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग लाइक वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स लाइक 11, 14, 17। जैसे कि C++ 11 का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि C++ 11 से पहले C++ में मल्टी थ्रेडिंग के लिए सपोर्ट नहीं थी, एंड C++ 11 जैसे ही आया उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होने लगा C++ में, एंड उसकी वजह से C++ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया HFT इंडस्ट्री में। एंड दूसरा जो टॉपिक है वो मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड इन जनरल क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पता तो सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो सारे लोग मेरे को डेफिनेशन बता देंगे बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि इंटरफेस क्या होता है तो इंटरफेस का डेफिनेशन सब लोग बता देंगे बट दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दी एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो कि कहाँ पे इंटरफेस यूज करना है क्या करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से HFT इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से OCO और आइसबर्ग। अभी क्या होता है कि मेरे को लेट्स से इंटरव्यूअर ने बोला कि मेरे को दो ऑर्डर टाइप इंप्लीमेंट करने हैं, फर्स्ट वन इज OCO एंड सेकेंड वन इज आइसबर्ग। तो इनका एक कॉमन क्लास होगा जिसको मैं इंटरफेस बना सकता हूँ, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आइसबर्ग भी मैं भी एग्जिस्ट करेंगे एंड OCO में भी एग्जिस्ट करेंगे, एंड उसके लिए मेरे को इंटरफेस क्रिएट करना है। एंड इंटरव्यूअर ने मेरे को काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर रखी है, तो ही कैन आस्क मी लाइक वॉट आर ऑल द फंक्शंस दैट आई कैन कीप इन इंटरफेस। तो इंटरफेस डिजाइन करना है मेरे को, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेट से मेरे को एक्सेस मॉडिफायर डालने हैं क्लास के अंदर कि किस कहाँ पे पब्लिक डालना है, कहाँ पे प्राइवेट डालना है, कहाँ पे प्रोटेक्टेड डालना है, तो इस तरह से क्या यूज़ केसेस होते हैं उनके रियल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि आप जो सिस्टम डिजाइन करने वाले हो, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन लेवल का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम वर्चुअल फंक्शंस की बात करें तो वर्चुअल फंक्शंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू आंसर दोज, बट एट द सेम टाइम मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूँ कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस ऑन सिस्टम्स परफॉर्मेंस, यानी कि सिस्टम की परफॉर्मेंस पे अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आंसर करना आना चाहिए। सिमिलरली जब भी आप दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को आप TCP के थ्रू कर सकते हैं, UDP के थ्रू कर सकते हैं, एंड देयर इज वन मोर कम्युनिकेशन चैनल दैट इज LBM के थ्रू कर सकते हैं।
तो टीसीपी के अपने एडवांटेजेस हो सकते हैं, यूडीपी के अपने एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके अपने एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो किस कंडीशन में क्या यूज करना चाहिए, यू शुड बी रियली गुड विद दैट एंड नॉट जस्ट विद थ्योरी, बट ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका यूज करके आपने एटलीस्ट दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन करने का कोई तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होना चाहिए। दैट विल बी लाइक रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक को मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, म्यूटेक्स क्या होता है, कंडीशनल वेरिएबल क्या होता है। एक्चुअली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने काफ़ी बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे हैं जिनमें एक एक सिस्टम में 100-100 थ्रेड एक साथ काम कर रही होती है, एंड जब भी एक से ज़्यादा थ्रेड सिस्टम में आती है तो वहाँ पे डेडलॉक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड एट द सेम टाइम वी डू सी डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो उसको म्यूटेक्स की हेल्प से किस तरह से अवॉइड करते हैं एंड उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पता होना चाहिए कि एसटीडी म्यूटेक्स किस तरह से काम करता है इंटरनली। एंड एट द सेम टाइम दिस कंडीशनल वेरिएबल इज काइंड ऑफ लाइक रियली इम्पोर्टेंट। इससे क्या है कि कंडीशनल वेरिएबल, लेट से एक थ्रेड वन है T1, एक थ्रेड टू है T2, एंड थ्रेड T1 क्या है कि कुछ तो डेटा जनरेट करती है, एंड जब तक वो डेटा जनरेट नहीं होता तब तक T2 प्रोसीड नहीं कर सकती आगे। तो ये सारे जो सिनारियोज होते हैं वो किस तरह से हैंडल होते हैं वो हम जब भी कंडीशनल वेरिएबल वगैरह पढ़ते हैं तो उसके टाइम पे हमें क्लियर होता है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बट वी शुड बी रियली गुड विद दी इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, दैट मीन्स यू आर रियली गुड विद रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड देयर वेरिएशंस, क्योंकि इन ये जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इनमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं एंड इनका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एंड जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो होगा क्या कि आप क्रिटिकल सेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, डेडलॉक किस तरह से अकर होता है सिस्टम में वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, म्यूटेक्स क्या होते हैं किस तरह से काम करते हैं वो सारा भी पढ़ेंगे, एंड कंडीशनल वेरिएबल कैसे यूज करते हैं सिस्टम में वो सारा भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में, वो आप इम्प्लीमेंट करो, एंड यू कैन मेंशन दैम इन योर CV दैट यू हैव सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड गिटहब पे आप अपना जो कोड है वो पोस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम C++ के एडवांस टॉपिक्स की बात करें तो होता क्या है कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, कास्टिंग क्या होती है। C++ में जैसे चार तरह की कास्टिंग होती है, कॉन्स्ट कास्ट, स्टैटिक कास्ट, डायनेमिक कास्ट, री इंटरप्रेट कास्ट। तो उस उनका अलग अलग मीनिंग का क्या होता है एंड कहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, बिट मास्किंग कैसे होती है। लेट से मेरे को किसी भी वेरिएबल का को चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सेट है या नहीं है, तो किस तरह से वो कर सकते हैं हम, या फिर लैम्डा फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, या फिर एसटीडी मूव सिमेंटिक्स किस तरह से काम करते हैं, आर वैल्यू एल वैल्यू क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट पता बट आपको इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं वो सारा पता होना चाहिए। एंड इसी में हम डाल सकते हैं कि स्मार्ट पॉइंटर्स। स्मार्ट पॉइंटर्स क्या होते हैं एंड किस तरह से काम करते हैं एंड उनके पीछे लॉजिक क्या होता है। लेट से मैं बोलता हूँ कि यूनिक पॉइंटर क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू आंसर इट इन थ्योरी, बट अगर जैसे ही मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिक पॉइंटर किस तरह से याद रखता है कि सिस्टम में एक ही कॉपी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंटर की, तो वो ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। सो यू शुड बी रियली गुड विद दैट। एंड अभी अगर हम बात करें तो आप लो लेवल सिस्टम डिजाइन, जनरली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट अगर आप लो लेवल सिस्टम डिजाइन के 8 से 10 डिजाइन पैटर्न अच्छे से पढ़ लेते हैं, दैट विल बी लाइक बिग एज फॉर यू। जिनमें हम बोल सकते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हो गया, या फिर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हो गया, सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लाइक दैट। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे, बट ऑल दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। एंड अगर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो बूस्ट लाइब्रेरी क्या होती है, एसिंक लाइब्रेरी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसका पर्पस क्या होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर फ्यूचर एंड प्रोमिसेस किस तरह से काम करते हैं, एंड डिफरेंट लॉन्च पॉलिसीज क्या होती है, डिफर्ड पॉलिसी एक्सेट्रा,
वो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करती है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, लेट्स से यू आर टारगेटिंग सम अदर डोमेन, लेट्स से ई कॉमर्स डोमेन, एट द टाइम वॉट यू शुड डू, यू शुड पिक एनी ऑफ द लैंग्वेज, लेट्स से यू आर पिकिंग जावा, एंड जावा में आप जावा का जो जो भी करंट वर्जन चल रहा है उसके साथ आप अच्छे से पढ़ो उसको, एंड देन जावा में जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग सेम रहेगा, एंड अगेन जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग है वो भी आपको अच्छे से रहना चाहिए, एंड डेडलॉक म्यूटेक्स जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी अभी तक एक्सप्लेन करी हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट इन थ्योरी बट एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर आपके इंटरव्यू में 100 लोग बैठ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि उनमें से 10 लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं एंड 90 लोग ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं ये बहुत ही एसेंशियल टॉपिक हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड को क्रैक करना चाहते हैं। तो आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग, एंड इन सारे टॉपिक्स के अराउंड मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।